लेक्चर नंबर 9 में हम दोबारा देखते हैं रेजोनेंस को और देखेंगे बेंजीन में रेजोनेंस कैसे होती है या कॉन्जुगेशन कैसे होती है और एमओटी उसको कैसे एक्सप्लेन करती है। तो आइए इसको बकायदा शुरू करते हैं। देखें, बेंजीन हेक्सागोनल हमारे पास स्ट्रक्चर रखती है, ठीक है। बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह हम इसको बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। सिंपली हम बेंजीन को ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर आप चेक करो, बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इस कार्बन की भी sp2, इसकी भी sp2, इसी तरह इस कार्बन की भी, क्योंकि हर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। यू कैन चेक, इस कार्बन को चेक करो तो इस तरफ से डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस कार्बन को चेक करो तो नीचे से डबल बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है, इसको चेक करो तो इस तरफ से डबल बॉन्ड बना रहा है। तो हर कार्बन जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड में या डबल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो लिहाजा हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, हम अगर इसको BBT या हाइब्रिडाइजेशन से देखें तो हर कार्बन की, ये एक कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पाँचवा है और ये छठा है, ठीक है। हर कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 में टोटल 3 लोब्स बनते हैं, तो ये हमारे पास 3 लोब्स। इसी तरह इसके भी 3 बनेंगे, तो एक को इसके साथ मिला दो, एक को इस तरह बना दो और एक ये। इसी तरह इसके भी 1, 2 और ये 3। ये हम FSC में भी कर चुके। इसी तरह इसका 1, 2 और ये 3, इसका 1, 2 और ये 3, इसी तरह 1, 2 और ये 3। तो ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जिनको मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। ये सारे कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये टोटल बेटा 6 हैं हमारे पास, जो sp2 की ओवरलैपिंग से बने हैं। ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन टू कार्बन है, कार्बन टू, और इस तरह के 6 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो रहे, यहाँ पे आके हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएंगे 6 के 6 पे, तो यहाँ पे भी 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे जो कार्बन टू हाइड्रोजन होंगे, यानी कार्बन टू हाइड्रोजन। और ये कार्बन का sp2 है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, और ये भी यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स। तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं कार्बन टू कार्बन, जो कि sp2 से ओवरलैपिंग है, और 6 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं कार्बन टू हाइड्रोजन, जो कि sp2 to s ओवरलैपिंग है। ये तो बहुत सिंपल। लेकिन ये जो बेंजीन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना अभी, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। देखिए, ये जो बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर इधर बनाया, इस हर कार्बन पे इसके 3 लोब्स तो मैंने शो कर दिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन कार्बन का जो चौथा लोब है, यानी 2pz, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। sp2 में एक लोब अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है ना, यानी एक ऑर्बिटल, तो वो बना लें जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। इनकी फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो हर कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल जो है, जो कि 2pz ऑर्बिटल है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में मौजूद है, ओके। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो की है, जिसमें हर कार्बन के 3 लोब्स बनाए, तो चौथा लोब यहाँ पे मिसिंग है, वो मैंने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, इनमें होगी पाई बॉन्डिंग, और हर पी ऑर्बिटल में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो कार्बन की कॉन्फिग्रेशन है, देखें आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन हम डिटेल में कर चुके हैं, 2s2, 2px, 2py और 2pz, ये हमारे पास कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब हाइब्रिडाइजेशन में तो इतने इन्वॉल्व हो गए, तो ये जो ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड है 2pz, तो ये टोटल 6 हैं तादाद में, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो हर पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, चूँकि 6 पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 6 बनेंगे तादाद में। उन 6 में से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गौर से सुन लें। हमारे पास टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर। और उन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को जब उनकी हम ओवरलैपिंग देखेंगे, तो ओवरलैपिंग से हमारे पास 6 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब उन्हीं को हमने पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो देखें जी, सबसे पहला आपने पाई 1 बनाना है। यहाँ से फिर से ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, इस तरफ से एनर्जी बढ़ रही है, तो ये होगी एनर्जी। तो इधर आप बेंजीन का पहला बनाओगे पाई 1, ये हमारे पास पाई 1 है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप इसके अंदर फिर से इस तरह का एक रिंग बनाओगे,
ये रिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और इसको आप कर दोगे शेडेड। इस सारे स्ट्रक्चर को आपने शेडेड करना है। यहाँ पे शेडेड करने का मकसद है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इस बेंजीन रिंग के अंदर ही मौजूद हैं, यानी ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो ये हो सकता है यहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है। ये पाई वन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड है, क्या ये पाई बॉन्ड, लेकिन कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पहला बना, तो दो और भी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, तो जो थोड़े से हायर एनर्जी पे होंगे इस वाले स्ट्रक्चर से, लेकिन इससे लोअर पे ही होंगे, ठीक है। तो पहला ये बनाएं आप, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये पाई क्लाउड बना दें ये, ठीक है, एक क्लाउड ऊपर और इस तरह एक क्लाउड नीचे, तो ये। लेकिन इसमें ना एक नोड भी है, ये देखें इसमें एक क्या है, नोड भी है। तो इसमें कोई नोड नहीं था, इसमें क्या है, एक नोड है। तो ये आपका हो गया पाई टू, ठीक है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, याद रहे ये भी बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है। एक तीसरा भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, वो भी बना लें, वो इस तरह बनाएं इस तरफ, और ये जो मैं दायरे लगा रहा हूँ, ये जो ऊपर नीचे बना रहा हूँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। तो यहाँ पे भी एक नोड है, इसको हम बोलेंगे पाई थ्री। तो स्टूडेंट्स यू कैन चेक हेयर कि ये वाला सबसे स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दोनों इससे कम स्टेबल हैं, लेकिन दोनों है बॉन्डिंग और दोनों की एनर्जी इक्वल है, क्योंकि दोनों में एक एक नोड है। पाई टू की और पाई थ्री की एनर्जी सेम है, क्योंकि दोनों में एक एक नोड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये तीन हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर बेंजीन। अब बेंजीन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरफ आते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग भी इसके तीन होंगे, ठीक है, जो इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी पे बनेंगे। तो पहले इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे, इसको हम पाई फोर का नाम दे देते हैं। तो अब ये स्टार होगा, यानी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बनाएं आप, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। अब इसमें नोड चेक करें, देखें ये एक नोड है और ये दूसरा, तो यहाँ पे दो नोड्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से क्रॉस हो सकती है और ये एक यहाँ से। तो ये आपके पास पाई फोर है जो कि स्टार के साथ दिखा, तो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये इनसे हायर एनर्जी पे, ठीक। एक पाई फाइव भी बनेगा। पाई फाइव में क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया, तो इसको आप ये चीज़, तो यहाँ पे भी दो नोड्स बनेंगे, देखो एक ये नोड बन गया यहाँ से और एक ये बन गया, ठीक हो गया। तो इसको हम नाम देंगे पाई फाइव का, पाई स्टार फाइव, ये फाइव है। अब जैसे ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो थे, पाई टू और पाई थ्री, इन दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल थी, बिल्कुल इसी तरह ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई फोर स्टार और पाई फाइव स्टार हैं, ये दोनों भी एनर्जी में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों में दो दो नोड्स हैं। अब ये और ये, यानी पाई टू और पाई थ्री के कोरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये दोनों हैं, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऊपर बनेगा जाके हायर एनर्जी पे, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो। तो एक दो तीन चार पाँच और ये छह सर्कल आपने लगा लें, तो इसमें नोड सबसे मैक्सिमम बनेंगे, तीन नोड होंगे, एक दो और ये तीन। आई होप के स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे। इसको हम बोलेंगे पाई सिक्स स्टार। तो बहुत सिंपल था इसको अब बनाना। देखें बेंजीन के जो पी ऑर्बिटल्स थे वो टोटल छः थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में थे, ज़ाहरी बात है ये ओवरलैपिंग करेंगे, इनसे पाई बॉन्ड्स बनेंगे, लेकिन वो जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी वो तीन बॉन्डिंग होंगे और तीन ही एंटी बॉन्डिंग, तो टोटल वो तादाद में छः होंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल भी छः हैं। जो बॉन्डिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे हैं, जो एंटी बॉन्डिंग है बॉन्डिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी पे हैं। ये पाई वन का कोरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पाई सिक्स स्टार है, इन पाई टू के और पाई थ्री के कोरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पाई फोर स्टार और पाई फाइव स्टार है। इसमें कोई नोड नहीं है, ये सबसे स्टेबल है, सबसे लोअर एनर्जी पे है, इसमें एक नोड है और इसमें एक नोड है, तो इन दोनों की एनर्जी और स्टेबिलिटी इक्वल है। इसी तरह ये जो एंटी बॉन्डिंग है, इन दोनों में दो दो नोड्स हैं, तो इन दोनों की एनर्जी जो है वो आपस में इक्वल है और स्टेबिलिटी भी आपस में इक्वल है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास पाई सिक्स स्टार है, ये सबसे अनस्टेबल है और एनर्जी में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें तीन नोड्स हैं। अब हम इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर, तो देखें इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये वाला जो पाई टू है इसमें भी दो होंगे और ये पाई थ्री में भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल हमारे पास छः ही इलेक्ट्रॉन थे, एक दो तीन चार पाँच छः, क्योंकि हर पी जी में
एक इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मुकम्मल हो चुके हैं। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बेंजीन के हैं उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन में अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो बेंजीन को बनाने के लिए हम कैक्यूल के स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। कैक्यूल के स्ट्रक्चर में इस तरह से 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, यही कॉन्जुगेशन है। तो इसका दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम यूं बना सकते हैं, ये हमारे पास कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए और इसी तरह ये इधर हो जाए, ये भी हमारे पास। और इन दोनों का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए 3 लाइनें बनाते हैं। ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं बेंजीन की, ठीक है, और ये 3 लाइनें आगे इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करने के लिए। तो बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल बेंजीन रिंग, ये जो पाई क्लाउड है यहाँ पे मुसलसल रेजोनेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होती है ऐसे कंपाउंड्स को हम सिंगल लिवर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यही वजह है बेंजीन के लिए कैक्यूल के स्ट्रक्चर, डैवर के स्ट्रक्चर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने, तो जिसका हाइब्रिड हमारे पास ये वाला है। तो दैट्स इट अबाउट टोटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ MOT अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।